हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ अफशा। तो आज हम बनाएंगे मीठी घी की सब्ज़ी, जिसे सीताफल भी कहा जाता है। तो चलिए ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो मीठा घी है, जिसके हमने कट करके इस तरह के पीस बना लिए हैं। तो हमने इसके छिलके किसी पीस के उतारे हैं, किसी के नहीं। और ये देसी है, अंदर और बाहर से पीला है। ये 2 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं, जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है। 1 मोटी वाली हरी मिर्ची, इसे भी हमने कट कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे हमने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। ये 3-4 साबुत लाल हरी मिर्च हैं, इसे भी हमने कट कर लिया है। ये बेसिक से मसाले हैं, 1/2 टेबल स्पून है हल्दी, स्वाद अनुसार है नमक, 1/2 टेबल स्पून है लाल पिसी हुई मिर्च। ये है 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून सरसों के दाने। ये 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, ये 1 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया। तो हमने कढ़ाई में 100 ग्राम सरसों का ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो, पर यहाँ मैं सरसों के ऑयल में ही बनाऊंगी, क्योंकि सरसों का ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ ऑयल तेज़ गर्म हो गया था, तो इस स्टेज पे मैंने गैस ऑफ कर दिया है। तो ऐड कर देंगे हम जीरा, मेथी दाना, राई। तो कलौंजी और सरसों के दाने हम रोक लेंगे, ये हम बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर हम अभी डालेंगे तो ये जल जाएंगे। इन्हें चलाएंगे और सॉटे कर लेंगे और इस स्टेज पे गैस ऑन कर लेंगे। तो अब हम यहाँ प्याज ऐड कर देंगे, इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। तो इसका देखिए कलर चेंज हो गया है, हल्का सा क्रीम सा हो गया है। तो इस स्टेज पे हम टमाटर ऐड कर देंगे, साथ ही में नमक, हल्दी, मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसमें 1/4 कप बराबर पानी ऐड कर देंगे, ताकि मसाला जले नहीं। यह हम ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया, और साथ में जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है। इस स्टेज पे ऐड करेंगे मीठा घिया, साथ ही में ऐड करेंगे कटी हुई हरी और लाल मिर्च, साथ में ही कलौंजी और सरसों के दाने। इन्हें चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। यह हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। तो अब सब्ज़ी को गलाने के लिए 1 कप बराबर पानी ऐड कर देंगे। इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और इसे कवर करके 25 से 30 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे और बीच में 1-2 बार चला देंगे। अब इसे पकते हुए 25 से 30 मिनट हो गए हैं, तो इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो हाई फ्लेम करके हम इसका पानी खुशक कर लेंगे और चम्मच से हम इसको मैश कर लेंगे। ये सब्ज़ी थोड़ी घुटी हुई अच्छी लगती है, घुटे हुए में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी घुटी हुई हो और थोड़े साबुत पीस हो। इस स्टेज पे 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे, साथ ही में हरा धनिया। एक बार इसे फिर चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें चीनी ऐड कर देंगे। इस सब्ज़ी में एक खट्टा मीठा फ्लेवर आता है, तो हमने यहाँ अमचूर पाउडर भी ऐड किया है और चीनी भी ऐड की है। इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पानी भी ड्राई हो चुका है, चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और सब्ज़ी भी पक चुकी है। तो इस स्टेज पे अब हम गैस ऑफ कर देंगे। तो यहाँ हमारी मीठे घी की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो अब हम प्लेटिंग कर लेंगे।
तो आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और पूरी के साथ भी खा सकते हैं। पूरी के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। गार्निश कर देंगे हरे धनियों के पत्तों से। इसमें खट्टा, मीठा और हल्का सा स्पाइसी सा टेस्ट होता है, तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये सीताफल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो अब हम मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।